तो ये खादी ग्राम उद्योग आयोग के तहत जो पीएमईजीपी यूनिट्स हैं, खादी के हमारे यूनिट्स हैं, ग्राम उद्योग का जो हम वितरण किए हैं और जो क्लस्टर अलग अलग जगह पर बने हैं, उन्हीं के उत्पाद केवल हमारे मेलों में रहेंगे, भले वो इस स्टेट से बाहर के हों, लेकिन इन्हीं से जुड़े हुए उत्पादों की यह प्रदर्शनी यहाँ लगने वाली है। इसमें लगभग 150 स्टॉल हम बना रहे हैं। इस 150 स्टॉल में कुछ हमारे जो सहयोगी एक तरह से कह सकते हैं, जैसे बैंक हमारा पीएमजीपी यूनिट के लिए सहयोगी है, तो कुछ बैंक के स्टॉल रहेंगे, नाबार्ड है, राज्य खादी बोर्ड है, इनके कुछ स्टॉल्स रहेंगे, और इसके अलावा हम एक दो जन सुविधा वाले स्टॉल भी लगाएंगे, जैसे आधार का उसमें रहेगा कि आधार कार्ड का परिवर्तन करना है, बाकी करना है। तो ऐसे कुल मिला जुला के ये 10 दिवसीय खादी मेला कल से स्टॉल आवंटन और एक तरह से प्रारंभ होगा, लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन 11 तारीख को 4:30 बजे हम यहाँ करेंगे। तो ये पूर्वी जोन का पीएमईजीपी, शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जो इकाइयां लगती है, चाहे हैंडीक्राफ्ट का हो, कॉस्मेटिक्स का हो, या डेकोरेटिव आइटम्स का हो, फूड प्रोडक्ट का हो, फूड प्रोसेसिंग का हो, किसी भी प्रकार का, उसके एक लिमिट्स हैं कि उसमें 50 लाख तक का सेंक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग में 20 तक का सेंक्शन होता है, सर्विस सेक्टर में, और उसमें 35% ग्रामीण क्षेत्रों में और 25% शहरी क्षेत्रों में ये सब्सिडी है। तो उसी के जो पीएमईजीपी यूनिट्स हैं उनके जो उत्पाद होते हैं, उन उत्पादों का और उसके साथ साथ जो खादी के हमारे उत्पाद हैं, खादी के जो हमारे वस्त्र हैं, तस्सर के जो हमारे वस्त्र हैं, उनका यह प्रदर्शनी सह विक्रय मेला प्रारंभ होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा खादी संस्था बने, पीएमईजीपी के बारे में जानकारी हो, इन सब के बारे में भी यहाँ हम स्टॉल लगाएंगे और उसकी सूचना देंगे, उसके पर्चे भी वितरित करेंगे। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, आरटीई से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।